गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो हमारी कायरा रहती है वो मयूर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, और काफ़ी हद तक ये लोग अपना रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे रहते हैं। कायरा ने अपना ये रिलेशनशिप एक पीयर प्रेशर में स्टार्ट किया था, जो कहीं ना कहीं उसे वृद्धि की वजह से और अभी की वजह से दोनों से मिला था, क्योंकि दोनों उसके यही बोल रहे थे कि तुम अपनी फीलिंग्स और अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में जानती नहीं हो। जिसको समझने के लिए कायरा ने ये सोचा कि वो एक रिलेशनशिप में आएगी। रिलेशनशिप इस एक हफ्ते में काफ़ी अच्छा चल रहा था, पर जो हमारा मयूर था वो बाकी बॉयज़ की तरह उसके साथ अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करना चाहता था। दे वॉन्ट टू कम क्लोज़र एंड क्लोज़र एंड मोर क्लोज़र, पर कायरा इन सब चीज़ों के लिए रेडी थी नहीं कभी। वो तो बस अपने आप कन्फ्यूजन में ये सब कर रही थी। दूसरी तरफ इन दिनों रिद्धि जब अपने पूरे काम में बहुत ज़्यादा फोकस थी, तो वो राघव से ज़्यादा मिलने लगी। राघव हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, जहाँ पर उसे कभी भी कुछ भी डाउट रहता था, रिसर्च करनी रहती थी अपनी किसी भी चीज़ के लिए, तो वो फ्री पीरियड में कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जाके रिसर्च करती थी। तो वहीं पर उनकी मुलाकात राघव सर से हुई। पहले से तो वो जानती थी राघव को, लेकिन अच्छी तरीके से जानना इस एक हफ्ते में उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते करते राघव और रिद्धि भी एक अच्छे काफ़ी दोस्त बन चुके थे, सिर्फ दोस्त। और यहाँ पर ऐसा चल रहा था कि जो मयूर रहता था वो कायरा के क्लोज आने के लिए कोई भी बहाना नहीं छोड़ता था। कैंटीन में भी उसे टच करना, कभी उसके थाइस पे टच करना, कभी उसकी वेस्ट पे टच करना, कभी उसे किस करने के लिए उसकी नेक के पास आना, हर तरीके के कर रहा था। और ये चीज़ कायरा भी बहुत अच्छे से समझ रही थी, बट वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि इस बार रिलेशनशिप के लिए वो खुद आई थी हाँ करने के लिए। तो दूर करना, भागना, कुछ कर तो सकती नहीं थी। इस एक हफ्ते के ड्यूरेशन में कायरा ने तो लगभग रिद्धि को देखा ही नहीं। ऐसा नहीं है उसने कोशिश नहीं करी, बट रिद्धि ने अपने सारा जो रास्ते थे वो चेंज कर दिए थे। रिद्धि को ये बात बहुत ज़्यादा दिल पे लगी थी कि मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, और जिसे उसने पर्सनली डीपली ले लिया था तो वो कभी भी कायरा के सामने नहीं आती थी। जब वो कैंटीन में रहती थी तो रिद्धि कैंटीन में नहीं आती थी, अगर लाइब्रेरी में तो लाइब्रेरी में नहीं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट की नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों के बीच में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ चुके थे इस एक हफ्ते में कि ये दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर बन चुके थे। आज से एक हफ्ते पहले जो रिलेशनशिप कई हद तक क्लोज हो गया था, आज वो पूरे तरीके से दूर हो चुके थे। ऐसा कई बार हुआ है कि जहाँ पर मयूर ने कायरा को पकड़ के किस करने की कोशिश करी है, बट कोई ना कोई वहाँ पर आ जाता था जिसकी वजह से वो किस नहीं हो पाती थी, और उसका भी लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन अब ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कायरा उसे कुछ करने ही नहीं दे रही थी। मयूर क्या प्यार करता था कायरा से ये तो नहीं पता, पर वो जो चीज़ चाहता था वो उसको नहीं मिल रही थी, तो वो भी बहुत गुस्से में रहता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि ट्रिप डिसाइड होती है, 4 डेज की ट्रिप्स रहती है। उस 4 डे में पूरे टीचर्स और स्टूडेंट्स सबको मिलकर घूमने जाना रहता है, जहाँ पे हाई हील्स ट्रैकिंग भी होगी और बीचेस में भी घूमना होगा, सब एक कॉम्बो पैक रहता है। तो जब ये सब बारे में स्टूडेंट और टीचर्स को पता चलता है तो काफ़ी हद तक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और जाने के लिए रेडी रहते हैं। पर उसी तरफ जो टीचर्स रहती है उसमें से रिद्धि बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि वो नहीं जाना चाहती थी, उसको पहले से ही ऐसी ट्रिप्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। पर उसको जाना ज़रूरी था, क्योंकि एक तो वो टीचर थी, पर दूसरी बात वो रश्मि की भी तो दोस्त थी। रश्मि को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी, रश्मि और जिया को, तो वो लोग तो रिद्धि को काफ़ी फोर्स करके लेकर जाना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा ही किया, रिद्धि को फोर्स कर करके उस ट्रिप के लिए तैयार किया। दूसरी तरफ कायरा भी इस ट्रिप में जाने के लिए कोई एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि वो ये चीज़ समझ गई थी कि वैसी वो मयूर के साथ इधर रहती है तो वो उसे इतना टॉर्चर करता है, अगर वो ट्रिप में उसके साथ चली गई तो वो तो उसको पागल कर देगा। पर ऐसा हो नहीं पाता है। तनु और उसके सारे ग्रुप मेंबर्स उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि चल चल,
और फिर ये एक कॉलेज ट्रिप ऐसी ही रहती है कि जहाँ बहुत सारी मेमोरीज हमें मिलती है, तो इस मेमोरी को ध्यान में रख के सबके सब रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। वो दिन आ जाता है जहाँ पर इन्हें कॉलेज से बस में बैठ के जाना रहता है। तो यहाँ पर कुछ 6-7 बसेस जाती है क्योंकि ऑल ओवर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। तो जिस बस में कायरा रहती है उसी बस में एक्चुअली रिद्धि, रश्मि, जिया और राघव सर भी रहते हैं, और बाकी फ्रेंड्स ग्रुप भी रहता है कायरा का। कायरा का फ्रेंड्स ग्रुप में मयूर, मयंक, तनु और एक दो पर्सन सब रहते हैं, और सबके सब बहुत मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं। रश्मि का जो क्रश रहता है या फिर रश्मि का जो स्टूडेंट रहता है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो भी उसी बस में बैठा रहता है, और वो ये डिसाइड करता है कि क्यों ना टीचर और स्टूडेंट को दोनों को पास किया जाए और दोनों के साथ मिलजुल के बात की जाए। और ये ट्रिप इस वैसे ही बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी अगर कुछ मस्ती नहीं करे। तो पहले क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो लोग अपनी अंताक्षरी खेल रहे रहते हैं, बट उसके बाद टीचर्स लोग अपनी इधर उधर की बातें उधर कर रहे रहते। तो रश्मि के साथ जिया बैठती है और कायरा के साथ राघव, सॉरी रिद्धि के साथ राघव सर बैठते। कायरा जब ये देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि रिद्धि के साथ कायरा क्यों, रिद्धि के साथ राघव सर क्यों बैठे हैं। और कायरा मनी मन सोचने लगती है कि ये क्या हो रहा है और क्यों बैठी है, और रिद्धि मैम मना भी तो कर सकती है बट नहीं, वो तो अच्छे खासी बैठी हैं। उसी ड्यूरेशन में जहाँ उसको ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, वहीं मयूर उससे टची टची भी हो रहा था। बेचारी कायरा करे तो क्या करे, कहाँ फंस गई वो। राघव रिद्धि को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और ये बात रश्मि जानती थी, इसलिए वो चाहती थी कि अगर अब कायरा है नहीं तो अगर राघव रिद्धि को पहले जैसा बना सकता है तो क्यों ना उसे चांस दिया जाए। इसलिए रश्मि के रिद्धि के पास रश्मि जाकर नहीं बैठती है, वो जिया के साथ बैठ जाती है। लाइफ सब कुछ ऐसे चल रहा रहता है, फिर सडनली से जो रश्मि का मतलब स्टूडेंट है जिसका नाम राज रहता है, वो कहता है मैम, रश्मि मैम। अभी रश्मि कहती है हाँ राज कहो, आप हमें ज्वाइन करेंगी क्या अंताक्षरी के लिए। ये बात सुन के रश्मि स्माइल करने लगती है, वो कहती है क्यों। तो कहता है मैम करो ना प्लीज, अच्छा लगेगा, वैसे भी कितनी बोरिंग बस जा रही है, एटलीस्ट हम भी फन हो जाएगा और हो सकता है कि आपको भी अच्छा लगे हमारे साथ, ऐसे करके राघव कह रहा रहता है। तभी रश्मि कहती है नहीं, आप लोग इंजॉय करो। तभी वहां से मयंक कह देता है मैम हाँ सही बात है, आप लोगों का एक्चुअली आप अब बूढ़े हो गए हो ना, हमारे जैसे कहाँ स्टूडेंट नहीं रहे, आप बोर हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, आप लोग से वो मस्ती हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। तो मैम सही है, कोई बात नहीं है। अरे ये राज फालतू का मैम आपको फोर्स कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, मयंक ये कह देता है नॉन स्टॉप तरीके से। तभी वहां से जिया कहती है हम कोई बूढ़े नहीं हुए हैं, ठीक है, हम भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट ही थे और बस थोड़े ही साल बड़े हैं तुमसे, और रही बात हम भी बहुत मस्ती मजाक करते। तभी राज कहता है तो मैम दिखा दो ना फिर, अगर ऐसा है तो ज्वाइन अस। तभी रश्मि बहुत क्यूट सी स्माइल देख रही रहती, जैसे वो राज के पूरे इशारों को समझ रही रहती है। तभी वो कहती है ठीक है, और वो रिद्धि की तरफ देखती बोलती ज्वाइन अस। तो रिद्धि कहती नहीं, तुम लोग करो, मुझे नहीं करना है। तभी राघव बोलता है प्लीज ज्वाइन करते ना हम, अरे अब अपनी स्टूडेंट ने टीचर को चैलेंज किया है और हमें हमारा चैलेंज सबको मिलके निभाना चाहिए ना, तो प्लीज करते हैं। कायरा ये सब देख रही रहती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रहता है। रिद्धि का साफ मना करने का मतलब यही था कि कायरा उसमें है और वो उसको फेस नहीं करना चाहती थी, बट करना तो पड़ता ही। तभी गेम स्टार्ट होता है और गेम के कुछ ऐसे रूल होते हैं कि कोई भी एक इंसान गाना गाएगा उसको वर्ड्स को पकड़ के सामने वाले को गाना गाना पड़ेगा। तो पहले स्टूडेंट गाते हैं, गाना स्टार्ट होता है जिसमें स्टूडेंट लोग ये वाला गाना गाते हैं, पहला नशा
पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूँ मैं तुझको ये हार, ऐ दिले बेकरार तू ही पता। तभी वहां से जो रश्मि रहती है वो पहले वर्ड को कैच करती है और उस पे गाना गाती है, वो पहली बार जब हम मिले हाथों में हाथ, जब हम चले हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या हमने जाना। आखिर ये गाना तो राज के लिए ही था, जो वो ये गाना तो राज के लिए था, काफी अच्छे से वो भी ये गाने को समझ रहा था। तभी राज को भी अब गाना गाना था, तभी राज उस सॉन्ग को पकड़ता है, वर्ड दीवाना को, और गाता है, दिल दीवाना दीवाना है ये दिल, मैंने उसकी गली को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल, मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। तभी काफी देर तक जो टीचर है वो सॉन्ग सोच रहे रहते, एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते कि गाओ गाओ। तभी वहां से स्टूडेंट चलाते, मैम आप हारने वाले हो, आप लोगों को नहीं आता है। तभी रिद्धि थोड़ी देर में जब हारने वाले रहते तो रिद्धि ये गाना गाती है, दिल को करार आया तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा, दिल को करार आया पहली पहली बार आया। और ये सॉन्ग गा के वो अपना सर नीचे झुका के गा रही रहती है, क्योंकि वो कायरा को ये दिखाना नहीं चाहती थी, बट हालांकि ये सॉन्ग सिर्फ कायरा के लिए था। राघव जब ये सॉन्ग सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके लिए गाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और अब स्टूडेंट की बारी थी गाने का, तो अब कुछ तो गाना चाहिए कायरा को, तो अब देखते हैं। आज जब ये गाना बज रहा था, दिल को करार आया तुझ पर ही प्यार आया, तभी जो हमारी कायरा रहती है वो ये वर्ड लेती है तुझ पर, तभी वो तुझ को वर्ड लेती है और गाना गाती, तुझे भुला दिया फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया, और ऐसे करके वो गाना गाती है। जो यहाँ पर जब ये चल रहा रहता है तो दोनों एक दूसरे को अपने इमोशंस बहुत अच्छे से जाहिर कर रहे रहते हैं। और मेरी सिंगिंग अच्छी डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे लिरिक्स याद भी नहीं रहते हैं, सो आई एम सॉरी अगर मैंने इस सिचुएशन में कुछ गलतियाँ करी हो तो, बट आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे अंताक्षरी चल रही रहती है। काफ़ी हद तक जो रश्मि है वो ये चीज़ें समझ रही थी कि दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स सिखा रहे, और रश्मि ये चाहती थी कि इस ट्रिप में किसी ना किसी तरीके से कायरा को रियलाइज हो कि उसने जो रद्दी के साथ किया है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। और ऐसी इन दो की अंताक्षरी चल रही रहती है, काफ़ी हद तक ये लोग खेल मतलब एक दूसरे के साथ सिंगिंग विंगिंग करते, और फिर जब शांत हो जाते थोड़े थक जाते हैं तो बैठते, ट्रिप थोड़ा लंबा रहता है तो ये लोग उतरते हैं एक कैंटी एक जगह पर, और ये लोग जब निकलते हैं तो मतलब ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहता है तो कार थोड़ी टाइम के लिए सॉरी बस थोड़ी टाइम के लिए एक जगह रुकती है, तो वहाँ पर रिफ़्रेशमेंट्स के लिए आप उतर के कुछ भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर ये लोग जाते हैं रिफ़्रेशमेंट लेते हैं, तो जो रश्मि रहती है वो रिद्धि के पास आके बैठती है और बोलती है, सॉन्ग तो अच्छे अच्छे गाए यार, दिल को करार आया और उसने तो तुझे बुला दिया फिर तेरी यादों ने रुला दिया, क्या बात है, आंखों ही आंखों में बहुत कुछ बातें हो रही है। तभी रिद्धि उसे बहुत टेंस लुक देती है और कहती है, पिछली बार तेरी बातों में आकर मैंने हरकत कर दी थी, इस बार तेरी बात नहीं सुनने वाली कि उसके साइड से भी कुछ है वगैरह वगैरह, रहने दे, जितना ह्यूमिलेट होना था मैं हो चुकी हूँ, अब बिल्कुल भी नहीं, और जिस राह की कोई मंजिल नहीं है उस गलियों में जाकर आवारों की तरह घूमने का क्या मतलब है। ऐसे कह के रिद्धि अपना इमोशंस उसे एक्सप्रेस कर देती है। तभी उसे रश्मि को रियलाइज होता है कि हाँ पिछली बार उसी ने इतना प्रवोक किया था और ये हो गया था, बट उसे एक चीज़ और रियलाइज होती है कि रिद्धि अभी भी वो ह्यूमिलेशन चीज़ें नहीं भूली है। रिद्धि कभी भी कोई बात भूलती नहीं थी,
तो ये बात उसके जहन से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे कायरा को, अगर कायरा उसे प्यार करने लगी है तो। ये चीज़ें काफ़ी हद तक समझ गई थी रश्मि। तभी सब स्टूडेंट्स लोग अलग बैठते हैं और टीचर्स अलग बैठते, तभी राघव बहुत अच्छे से कोक लेकर आता है और एक सैंडविच लेकर आता है और रिद्धि को सर्व करता है और कहता है कि आप खाइए। पर रिद्धि उसे नॉर्मल लुक देती है, बोलती नहीं नहीं आप खाइए, और वो सिर्फ एक ब्लैक कॉफ़ी पी रही रहती है। दूसरी तरफ जो कायरा है वो सब नोटिस कर रही रहती है, और राघव का इतना करीब आना रिद्धि के ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मयूर उसके लिए सब कुछ ला रहा था, चॉकलेट्स, ये सैंडविचेस, कोल्ड ड्रिंक्स खाने के लिए, पर वो उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं थी। मयूर बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है और एकदम से उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ के कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें कितने प्यार से ट्रीट करता हूँ उतना ही, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं जितना तुम्हें प्यार से ट्रीट करता हूँ उतना ही तुम मेरे सर पे चढ़ती हो। अच्छे से दे रहा हूँ, अच्छे से बात कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? कायरा भी समझती है कि वो थोड़ा अपना नेचर बहुत ज़्यादा गंदा बिहेव कर रही, तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वॉशरूम जाना है, और ऐसे कह के वो चली जाती है। हालांकि कायरा अपनी सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लड़ रही रहती है। फिर ऐसे इन लोगों का कैंटीन में बैठ के खाना हो जाता है, तो सब बैक टू द बस चले जाते हैं। जैसे बस में सब बैठते हैं फिर नॉर्मल इनका टूर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा काफ़ी लॉन्ग टूर रहता है ये, करीब 6 से 7-8 घंटे का, तो जिसमें काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। तभी जो रिद्धि रहती है वो भी काफ़ी थक चुकी रहती है, क्योंकि वो थोड़ा स्टडीज़ भी करती थी अपनी और सब कामों में वो इतनी बिजी हो गई थी कि वो थक जाती है। और ऐसी बात ऐसे ही मतलब थोड़ा काम करते करते वो नींद आने लगती है उसको, और वो सडनली से राघव के शोल्डर में कब गिर जाती है उसे पता ही नहीं चलता, और वो सिर्फ सो जाती है। ये देखकर तो काफ़ी लोग बातें भी बनाने लगते हैं कि रिद्धि और राघव के बीच में चल रहा है। कायरा जब नोटिस करती है कि रिद्धि मैम ने तो सच्ची में सर रखकर राघव सर के सो गई है, तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, मतलब इतना ज़्यादा कि शायद उसकी आंखों में से आंसू आने ही वाले रहते, बट वो कंट्रोल कर लेती है। और तभी तनु कहती है, देखो ना ये दोनों कपल्स कितने क्यूट लगते हैं, आई मीन राघव सर इज़ टू हॉट, बट मुझे नहीं पता था उन्हें रिद्धि मैम में इंटरेस्ट होगा, आई मीन रिद्धि मैम इज़ सो बोरिंग एंड लाइक कोई भी नहीं चाहेगा, बट ठीक है यार, बट दे लुक्स लाइक अ ब्यूटिफुल कपल। तभी मयूर कहता है, हाँ यार ये कितने प्यारे कपल है, और रिद्धि मैम इतने प्यार से सो रही है। फिर वो कायरा की तरफ देख के बोलता है, चलो चलो तुम भी रखो मेरे सर पे, तुम भी रखो अपना सर मेरे शोल्डर पे, हम भी इतने क्लोजी क्लोजी होकर सोएंगे, आखिर हम तो कपल है। ये सुनकर तो वैसे ही उसका दिमाग खराब कायरा का, और अब और खराब होने में तो टाइम लगता नहीं। रश्मि भी नोट कर लेती है कि वो सो गई है, पर वो उसे उठाती नहीं है, पर वो ये देखती है कि राघव ने भी बहुत कंफर्टेबली किया है। कभी कभार ज़रूरी नहीं होता है कि हमें एक अच्छा पार्टनर चाहिए, कभी कभार एक अच्छा दोस्त भी हमें वो कंफर्ट लेवल दे सकता है, और वो ही रिद्धि के साथ हो रहा था। उसे प्यार का तो अता पता था नहीं, क्योंकि वो सिर्फ प्यार कायरा से करती थी। तो राघव के साथ उसको कुछ नहीं था, लेकिन एक राघव के साथ एक कंफर्ट लेवल, एक अच्छी फ्रेंडशिप उसके साथ बन चुकी थी। और कभी कभार हम ज़रूरी नहीं कि पार्टनर के ही कंधे पे सर रख कर सोएं, हम अपने अच्छे दोस्त के कंधे पे भी सर रख कर सो सकते हैं, और वो ही उसके साथ हुआ था, नथिंग एल्स। बट पूरे बस में तो यही चर्चा चल रही थी कि ये लोग कपल हो चुके, कपल हो चुके, और कायरा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लग गई थी। वो विंडो के बाहर देख रही थी, और उस विंडो के बाहर देखते देखते उसकी आंखों में से आंसू भी आना शुरू हो गए थे। क्यों आ रहे थे ये तो उसे भी नहीं पता, और क्या मजबूरी रही होगी उसकी ये भी सॉरी। आगे देखते हैं इस कहानी में और क्या क्या होता है।
तब तब के लिए इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी तो ट्रिप स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं। स्टे ट्यून विथ मी एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यार।